कहाँ से मंगवाई है? हॉट एंड स्पाइसी। जो मौसम हसीन हो गया, ये देखे मैं एंजॉय कर रही हूँ जबरदस्त। और जो है माशाल्लाह आज तीसरा रोजा हो गया। आप लोगों ने मेरा पहले रोजे का व्लॉग देखा और जो सेकंड रोजे का व्लॉग अपलोड नहीं हुआ क्योंकि मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी। मैंने सोचा आज है तीसरा रोजा तो आज मैं शुरू कर देती हूँ व्लॉगिंग करना ताकि आज का व्लॉग अपलोड हो जाए। तो बस सहरी की हमने और उसके बाद मैं नहाई और नहाने के बाद अबान को हमने ड्रॉप किया स्कूल। अबान के स्कूल टाइमिंग जो है 15 मिनट पहले हो गए हैं और छुट्टी उसी टाइम पे होगी, तो मैं बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड थी कि ये क्या हो गया। रमजानों में इंतजार होता है कि अब छुट्टी जल्दी होगी, मेरा बच्चा जल्दी घर आएगा, लेकिन जो है इनके स्कूल वालों ने क्या किया, 7:30 टाइमिंग रख दिया। पहले 7:45 थे, 7:30 to 12:15 टाइमिंग है स्कूल के। और जो है अभी अबान को जो है तैयार करके स्कूल ड्रॉप कर दिया है मैंने। और बुशरा को आजकल हुआ हुआ क्रेज ड्राइविंग सीखने का, तो मैंने कहा चलो अबान को स्कूल छोड़ने के बाद डेली हम ड्राइविंग की प्रैक्टिस करेंगे, तो बुशरा को भी जल्द अज जल्द जो है पक्की वाली ड्राइविंग आ जाएगी। ये आप देख रहे हैं बुशरा ड्राइव कर रही है, फर्स्ट और सेकंड गियर पे प्रैक्टिस हो चुकी है, इंशाल्लाह अब थर्ड गियर पे आएंगे। तो आजकल मैं सिखा रही हूँ बुशरा को ड्राइविंग। अगर मेरे व्यूअर्स को भी गाड़ी चलाना नहीं आती और उनको भी सीखनी है गाड़ी चलाना तो मुझे कमेंट कीजिए, तो इंशाल्लाह मैं ड्राइविंग की क्लासेस आप लोगों को भी दूंगी अपने चैनल पे। क्योंकि ये ना समझे कि मैं ऐसी वैसी ड्राइवर हूँ, मैं 2008 से चला रही हूँ तो एक्सपीरियंस काफी कुछ है मेरे पास। अगर आप लोगों को भी गाड़ी चलाना सीखना है, शौक है ड्राइविंग करने का, तो मुझे कमेंट कीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए एक व्लॉग बनाऊं कि मैं बुशरा को किस तरह से ड्राइविंग सिखा रही हूँ, गियर क्या होती है, एक्सीलेटर क्या होता है और जो है ब्रेक क्या होती है, सब कुछ बताऊंगी अपने व्लॉग में, लेकिन आप लोगों के कमेंट के बाद। तो इंशाल्लाह मगर वो व्लॉग जो होगा ना इंशाल्लाह रमजानों के बाद अपलोड होगा, क्योंकि आजकल चल रहा है रमजानों का व्लॉग। तो बुशरा जो है माशाल्लाह से एक्सपर्ट बन रही है और उन्होंने थर्ड गियर लगाने की कोशिश की है, लेकिन वेल डन बुशरा, वेल डन। तो भाई अभी मैं बातें कम करती हूँ, आज मेरे साथ रहेगा, मैं इनको जो है ड्राइविंग सिखाने के बाद तैयारी करूंगी दौरे कुरान में जाने के लिए। तो मेरे साथ रहिए आज का व्लॉग, इंजॉय कीजिए, देखिए आज का दिन मेरा कैसा गुजरता है, क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ। कल का व्लॉग मैंने वैसे इसलिए भी नहीं बनाया था, मैं सारा वक्त जो है ना सोए जा रही थी, फर्स्ट गियर लगाइए तो सोते हुए की जो है ना वीडियो क्या बनाती थी, हमको नहीं आती मुझे मजा आ रहा है। हाँ, तो मैं खुद ही मुझे आ गई है, खुद ही आ गई है। ये होते खुद गर्ज लो। हाँ तो मतलब एक वैसे बात है, मैंने कभी नहीं लाइफ में चलाई, लेकिन मैंने एक दफा उस्मा ने मुझे चलवाई थी हमारे घर के नीचे रोड पे जब मैंने चलाई थी। तो ये मैंने सिखाई थी तुम्हें ड्राइविंग? मैं क्या बोल रही हूँ, पहले सुनते हैं। तो वो चलाई थी, उसके बाद ना मुझे घेरों का पता था ना मुझे कुछ, लेकिन उस्मा ने मुझे बताया और वो उसके बाद मैं इस तरह चला रही हूँ, पता है मुझे। अच्छा तो खैर अच्छी चला रही हूँ कि नहीं? अच्छी चला रही हूँ माशाल्लाह से। इंशाल्लाह मैं बुशरा को ड्राइविंग सिखा दूंगी बहुत जल्द, और बुशरा मेरा नाम लेना कि मैंने सिखाई थी क्या। और जो है अभी बालों का हो रहा है बहुत बुरा हाल, क्योंकि मैं नहा के आई थी और जब बाल सूख रहे तो बम फट जाते हैं, तो अभी घर जाके उसको सेट वेट करूंगी इंशाल्लाह। फिर मेरे साथ रहिए और आज का पूरा दिन उस्मा उमर के साथ एंजॉय कीजिए। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो पहले जाइए सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को कीजिए लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आप सबके फ्रेंड्स को भी पता चले कि ये है एक उस्मा उमर यूट्यूब ब्लॉगर जो आप लोगों के लिए बहुत सारी वीडियोज लेकर आती है मजे मजे की। और अगर मजेदार कोई और वीडियो आपको चाहिए रिक्वेस्ट करनी चाहिए, जरूर रिक्वेस्ट कीजिए। प्रैंक चाहिए, प्रैंक कर सकती हूँ, चले फिर मिलते हैं बाद में, मैं बुशरा को ड्राइविंग सिखाऊं। हाँ। पहले मैं यूं 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 ड्राइविंग बुशरा सही कर रही हूँ, अगर ड्राइविंग सिखा रही हूँ ना तो ये रख देना चाहिए। चले मैं ये तो मैं खुद चला रही हूँ, तो मैंने भी सेकंड की ट्रेनिंग प्रैक्टिस में आ रही हूँ ना थर्ड की, तो चले मिलते हैं बाद। तो मैं अभी ये लोबिया भिगोने लगी हूँ क्योंकि आज हमने सोचा है इफ्तारी में बनाते हैं लोबिया और चना चाट। ये लाल बड़े वाले लोबिया हैं, वैसे इसकी छोटे जो लोबिया होते हैं ना बिल्कुल उसकी चाट बनती है, लेकिन ये मेरे घर रखे थे तो मैंने कहा इस्तेमाल करते हैं।
तो अभी भिगो रही हूँ। हमने जो है इफ्तारी बुशरा बनाया करती हूँ और सहरी में, चलें इसको भिगोते हैं। अभी मैंने ये कपड़े शीडिंग करने रख दिए मैंने, ये कुर्ती भी थी जो मुझे पसंद आई थी, जब से लेगी तो दिखाऊंगी। तो ये मैंने अपने कपड़े शीडिंग करने रख दिए हैं, ठीक है। और सहरी के सारे बर्तन धो के किचन से मट के अब सोने जाएंगे हम। तो जी फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ दौरा कुरान में, और जो है आज लाइट गई है, स्टैंड बाय जनरेटर से लिफ्ट तो चल रही है लेकिन मुझे डर लग रहा है, तो नीचे ही है, मैंने कहा बाईस चेयर चली जाती हूँ। तो आई एम गोइंग, वीडियो तो नहीं शूट करूँगी इंशाल्लाह, आके बताऊँगी कि बहुत कुछ सीखा, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। तो आज हमने जो है तीसरे पारे का दौरा किया था, तर्जुमा पढ़ा था, उसके बाद उस पर दौरा किया था। तो तीसरे पारे में जो है बकिया सूरत सूरे बकरा थी और इब्तदाई सूरे सूरे इमरान। सूरे बकरा के बकाया हिस्से में तीन बातें हैं, दो बड़ी आयतें, दो नबियों का जिक्र, सदका और सूद। दूसरे हिस्से में सूरे अल इमरान की चार बातें हैं, पहली सूरे बकरा से मुनासिबत, दूसरी अल्लाह ताला की कुदरत के चार किस्से, तीसरी अहले किताब से मनाजिरा मुबाहिला और मुफाहिमा, और चौथी अंबियाए साबिकीन से अहद। तो सूरे बकरा में जो तीन बड़ी बातें थी उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। पहली बात थी दो बड़ी आयतें, तो एक आयतुल कुर्सी है जो फजीलत में सबसे बड़ी है, इसमें 70 मरतबा अल्लाह ताला का जिक्र है। दूसरी आयत मदीना जो मिकदार में सबसे बड़ी है, इसमें तिजारत और कर्ज मस्कूर है। और सेकंड बात जो थी दो नबियों का जिक्र, एक हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नमरूद से मुबाहिसा, और दूसरे जो है उज़ैर अलैहिस्सलाम जिन्हें अल्लाह ताला ने 100 साल तक मौत देकर फिर ज़िंदा किया था, बहुत बड़ा मौजज़ा था ये। और तीसरी बात जो की है वो सूद और सदक़े के बारे में की है, बज़ाहिर सदक़े से माल कम होता है और सूद से बढ़ता है, मगर दर हकीकत सदक़े से बढ़ता है और सूद से घटता है। और सूद लेना तो वैसे ही अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है, और सूद लेने वाले से कहा गया है कि सूद जो ले रहा है वो अल्लाह ताला और उसके रसूल से खुली जंग का ऐलान कर रहा है। तो सोचे भला हम जो है जंग भी कर रहे हैं तो क्या अपने रब और उसके रसूल से कर रहे हैं, तो क्या कभी हम उनसे जीत सकते हैं, और अल्लाह ना करे कि हम सूद लें। तो अगर कोई सूद लेता है तो आज ही वादा करें, आज ही इंतज़ाम करें कि उस सूद को ख़त्म करें और इससे तौबा कर लें, क्योंकि अल्लाह बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है। और सूरह अल इमरान में चार बातें थी, जिसमें से सेकंड जो बात थी अल्लाह की कुदरत के चार किस्से, उसको मैं डिफ़ाइन कर देती हूँ, ठीक है। पहला किस्सा जो था वो जंगे बदर का था, 313 ने 1000 को शिकस्त दी थी। और दूसरा किस्सा ये था कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास बेमौसमी फल के पाए जाने का हिस्सा, मतलब वो जो मौसम का फल चाहती थी वो उनके पास आ जाता था, ठीक है। और तीसरा किस्सा था हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे में अल्लाह ने औलाद अता फरमाई थी, तो वो अल्लाह कहता है ना, मैं जिसे चाहूँ नवाजूँ, जिसे चाहूँ ना नवाजूँ, जब चाहूँ नवाजूँ, तो ये सब अल्लाह के काम है। तो वो बूढ़े हो चुके थे और उन्होंने औलाद की दुआ की थी और अल्लाह ने उन्हें औलाद से नवाजा था। चौथा किस्सा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का बग़ैर बाप के पैदा होने का, और बचपन में बोलने और ज़िंदा आसमान पर उठाए जाने का है। तो ज़रूर आप सब भी दौरा कुरान करें, तफसीर कुरान करें, अगर ये नहीं कर सकते तो एटलीस्ट तर्जुमा कुरान करें। मैं तो बाज़ औक़ात ये करती हूँ कि तर्जुमा कुरान यूट्यूब पे लगा के सुनती रहती हूँ, ठीक है। तो इस तरह आप लोग भी करें तो थोड़ी बहुत हमारी ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी, और शायद जो हम भटके हुए हैं वो राह रास्ते पर आ जाएंगे। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। आई होप सो आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।